अपनी शक्तियों का प्रकाश कर दे तो लगता है कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए माँ भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। 1 दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। माँ भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप माँ भगवती का, शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगी। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धुता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेयपुरा उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करते हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले आ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था, आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, जीव ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित होकर काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी है। उनकी लीला में क्यों में वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से उतरते हैं, भक्त जब ऐसे कर देता है तो डरप जाते हैं। माधवदास बाबा ने कहा नहीं चलना तुम्हें ब्रज में, हम तुम्हारी कहां तक सेवा देखेंगे, तुम्हें बाल भोग राज भोग बाबा जी हैं, कभी मिला कभी यही रहो। कोई बाबा आपके बिना नहीं रह सकते, दोबारा बोल नहीं पाए जगन्नाथ। ये सुन करके हृदय बलिहार होता है, ओ ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु अपने भक्त के प्रेम प्रणय पर भी कितना डरते हैं। ये भक्त नाच पड़ता है, ये कुतर्क की संशय की वृत्ति यहां प्रवेश नहीं करती। दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन, अमित गिनती नहीं ऐसी अनंत दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। शक्र कोटि सत सरिष विलासा, अरबों इंद्र जैसा विलास प्रभु में, अरबों एक इंद्र त्रिभुवनपति है, अरबों इंद्र के समान प्रभु का ऐश्वर्य है। और नवशत कोटि अमित अवकाशा, जिस एक आकाश के लिए गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मच्छर से लेकर आप तक उड़ते पार पाए, बोले ऐसे अरबों आकाश के समान अवकाश है प्रभु में। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों अरबों पवन के समान महान बल है। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बल, बड़े बलवान देव, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान, और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम, बेजोड़ बलशाली महात्मा, दोनों महात्मा बेजोड़ बलशाली। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनु, किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे, ऐसे महान बली हनुमान जी। और भीम का क्या कहला है,
जब ये देव पुष्प उड़ करके आया और द्रौपदी जी को दिया गया, तो द्रौपदी जी ने कहा इसका जोड़ होना चाहिए इस पुष्प का। सबसे कहा पर किसी ने नहीं सुना। भीम ने कहा कहीं भी मिलेगा मैं इससे लाएंगे। ऋषियों ने समझाया कि आगे मत बढ़ो, ये यक्षों की भूमि है, युद्ध हो जाएगा और तुम्हें तैयारी करनी है हस्तिनापुर के लिए, और तुम इधर वो सब दिव्य हैं, पवन पुत्र हैं, किसकी माने, अपने वेग को बढ़ाया तो महाभारत में पढ़ के देख लो इनके चलने के वेग से वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसे जब चल रहे थे तो चलने के वेग से वृक्ष उखड़ जाते थे भीम के। हनुमान जी ने सोचा किसी के समझाए तो समझेंगे नहीं, तो आगे पवन पुत्र ही बैठ गए बूढ़े बानर का भेष देकर लंबी पूंछ से। मार्ग में मर्यादा है, किसी पशु को भी नहीं लांघना चाहिए। विवेकवान उपासक ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है पशु भी आप उसे लांघ जाए, ऐसा नहीं है। जो विवेक है, जो मर्यादा है, वैसे किसी सोते हुए को लांघना नहीं चाहिए। प्रेमाची शक्ती जिंकणार का नवरी मुळे हिटलरला उत्सव नवशक्तीचा 11 ऑक्टोबर रात्री 10 वाजता झी मराठीवर। डाले और मार्ग दे दे, इस समय मैं विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं। उनका जब कह दिया है वृद्ध, तो आप समझ ही रहे होंगे कि वृद्ध में क्या ताकत होती। अब मेरी ताकत पूछ हटाने की नहीं रह गई है, आपने तो वृद्ध ही कह दिया है, तो आप समझ रहे हो ना, आप पूछ हटा लीजिए। हमारी आज्ञा की अवहेलना करें, ऐसे उठी दोनों हाथ लगाया नहीं उठी, पूरी ताकत लगा दी। पवन पुत्र भीम की पूरी ताकत लग गई, पूछ जरा से भी नहीं, हाथ जोड़ के खड़े बोले हम समझ गए हमारे बड़े भ्राता आप हनुमान जी हैं, क्योंकि ऐसा कोई बानर सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि मैं उसकी पूछ ला हिला सकूं, मैं समझ गया। मुस्कुराए और बैठ के बोले हमारी आज्ञा मानो, इस मार्ग में मत जाओ, ये देव मार्ग है, ऐसे ऐसे सिद्ध है कि आपका अपराध बन जाएगा, आप शाप से युक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको मना। बोले प्रभु जब आप कृपा करके आए हो तो हमें वो रूप दिखा दो जो लंका में आपने रूप दिखाया। बोले मत उस बात की चर्चा करो, रहने दो। बोले प्रभु एक बार देखना चाहता हूं कि मेरा बड़ा भाई कितना बलवान है। हनुमान जी ने कहा फिर देख लो। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल, कांप गए भीम जी हाथ जोड़ बोले भीम कांति, वो भयानक उनका रुद्र रूप, कांप गए भीम, कांप गए। वायु में अगर बल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वायु बलवान है।
भगवान कैसे है, मरुत कोटि सत विपुल बल, अरबो वायु जैसी महान ताकत हमारे प्रभु में, संशय नहीं। वो अगर छोटी सी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, ए उठवा दो, ऐसा कर, भक्तों के साथ वो विनोद करते, लीला करते, उनमें बल कितना है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जिनके चरणों को ऐसे गोद में लिए रहते हैं। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजय श्री में उन्मत्तता